मेरा दूसरा सवाल रवि रुकनुद्दीन साहब से मैं पहले जानना चाहूंगा कि चलो मान लो कहीं पे एक्टिविज्म आ रहा है, पॉलिटिकली हो या दूसरे तरीकों से हो, लेकिन स्टूडेंट्स को सिर्फ एहतजाजी जलसों में, एहतजाजी जुलूसों में सिर्फ नारेबाजी के लिए और वॉलंटियरिंग के लिए रखा जाएगा, या फिर इनसे कुछ नया दूसरा काम भी लिया जाएगा या लायामल भी कुछ है? रवि रुकनुद्दीन साहब जी, अभी तो जो भी चल रहा है भटकल में ऐसे ही चल रहा है कि वॉलंटियरिंग के लिए और नारेबाजी के लिए और प्रोटेस्ट के लिए स्टूडेंट को जो है बुलाया जाता है और उनको शामिल किया जाता है। लेकिन असल जरूरत ये है कि हम स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट को जो है तैयार करें, उनको जो है काम सिखाए हर एतबार से, जो काम हमारे बड़े इस वक्त तंजीम में बैठ कर रहे हैं, जो काम हमारे फेडरेशन के नौजवान साथी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने साथ हर काम में स्टूडेंट को ले, स्टूडेंट को आगे बढ़ाए, उनकी गलतियों पर उनको टोके, उनकी गलतियों से उनको सीखने का मौका दे। अगर वो इस उम्र में नहीं सीखेंगे तो हो सकता है, चांसेस ये है कि वो कौम से दूर हो जाएंगे, वो कौम से जो है अलाइदगी इख्तियार करेंगे और अपनी जिंदगी में मस्त हो जाएंगे, जिससे उसके बाद अगर तुम आप बुलाओगी भी उनको तो वो आना पसंद नहीं करेंगे आपके इस्तेमाल में, आपके जलसों में, आपके प्रोग्राम्स में। इसीलिए जरूरत है कि इनको अभी से शामिल करें, अभी से उनकी जो है उनको छोटी छोटी चीजें सिखाए और तब जाकर जो है उनको जो है बाद में जाकर जो है आसानी होगी। जी यूसुफ बरमावर साहब इस सवाल पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि रवि रुकनुद्दीन साहब ने कहा कि हमारे इदारों को समझना जरूरी है इस बात को और नौजवानों को अपने साथ लेकर काम करना चाहिए, यूसुफ बरमावर साहब क्या कहते हैं इस बारे में? यहाँ पर जो दूसरे पैनलिस्ट जो अपने तासुरात बता रहे थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे, मैं नहीं समझता कि वो मुकम्मल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जहां तक हमारे इदारे हैं, हमारी तंजीमें हैं, वो नौजवानों को और अपनी यंग जनरेशन को अपने जो है कामों में, अपने इसमें इन्वॉल्व करते हैं। बहुत सारे हम प्रोग्राम देखते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे जो इदारों के काम होते हैं, हम देखते हैं कि नौजवान उसमें शामिल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये होना चाहिए कि देखें, एक्टिविज्म जो है बेहतरी के लिए ऑब्जेक्टिव बेस पे होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सर्टेन ऑब्जेक्टिव में तमाम स्टूडेंट भी हमारे इलाके के इदारों के साथ काम करते हैं, लेकिन मकसद हो सब कल को फॉर एग्जाम्पल समझें कि हमको भटकल का एनवायरमेंट के लिए, साफ पानी के लिए या किसी मकसद के लिए खड़ा होना है, वहां पे खड़े नहीं होते हम, क्योंकि हम उस मकसद को हमने अभी फॉर एग्जाम्पल समझा नहीं है, उसके लिए हम जो है उसकी बेहतरी के लिए हम काम एक एक्टिव तौर पे हम नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि एक्टिविज्म जो भी मैंने पहले जैसे पहले कहा कि सबसे पहले उसको उसका मकसद पता होना चाहिए, चाहे वो इंटरनेट एक्टिविज्म के बारे में या सोशल मीडिया यूज और उसके इस्तेमाल के बारे में। तो इस तरह की ऐसी बहुत सारे मौजूद हो सकते हैं जिन पे हम या हमारे नौजवान काम कर सकते हैं, कलेक्टिवली टुगेदर आ सकते हैं। लेकिन अगर ये कलेक्टिविटी आके ये भटकल के स्टेज पे या नेशनल लेवल स्टेज पे या स्टेट लेवल के स्टेज पे अपना नाम कर सकते, जैसे यहाँ पे किसी ने इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का नाम लिया कि वो छोटी सी एक्टिविस्ट है, वो एनवायरमेंटल की बुनियाद पे ही वो सारी दुनिया में फेमस है, उसका रीजन जो भी हो पीछे जो भी हो। इसी तरह से हमारे बच्चे ऐसे मौजूद को लेके आगे बढ़े जिससे कौम का भी फायदा हो, जिससे अपने मुल्क का भी फायदा हो और जिससे उनका नाम और उनका पॉइंट ऑफ व्यू रोशन बढ़े और वो आगे जाके लीडरशिप के मैदान में आगे आए। एक्टिविज्म को अगर कॉलेज और कैंपस में लेके आएंगे और लेके आना है तो इन चीजों का ख्याल जरूरी है। अगर इसी को हम कॉलेज की इंटरनल पॉलिटिक्स या स्कूलों की इंटरनल पॉलिटिक्स इसमें अगर इसको महदूद रखेंगे तो इससे इंतजार फैलेगा न कि इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये बात आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू को सही तरीके से समझना चाहिए कि ये इसमें वेरी थिन लाइन है। कल कल को जाके जो है हम जो है कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही अगर हम एक्टिविस्ट होके वहां, तो हमारा मकसद जो हम जो मकसद चाहते हैं एक्टिविज्म का वो हल नहीं होगा। पर एक्टिविज्म ये भी नहीं है, अब एक्टिविज्म आप कह रहे हैं
ये नहीं है कि जाके प्रोटेस्ट करें या फिर जलसे जुलूस निकाले, नहीं। एक्टिविज्म से आप कह सकते हैं, आप किसी इश्यूज पे आप खुदूत लिख सकते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को आगाह कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी में आप जो है कुछ लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्टिविज्म जो आप लिख के कर सकते हैं। तो ये सब चीजें करने के लिए और इन मौजू पे बात करने के लिए, इन मौजूद पे काम करने के लिए, सबसे पहले हमारे बच्चों में जो माशाल्लाह जो हमारे नौजवान हैं, ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट्स, उनमें जो है और जो है क्या कहते हैं, मुतालिया ज्यादा होना चाहिए, इश्यूज पे बात होनी चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो है चीजों को डिस्टिंग्विश करने में, पॉलिसी को आइडेंटिफाई करने में, और जो भी पॉलिसी बनती है वो अपने इलाके के हाथ में, भटकल के हाथ में, या अपने आसपास के इलाके के हाथ में, या कर्नाटका के हाथ में, जो भी है ये हमारे हाथ में ही है, हमारे हाथ में नहीं है, उसको डिस्टिंग्विश करने में वो उतनी समझ आके वो अगर आएगी, तब आप एक अच्छे जो है एक्टिविस्ट करोगे, अपना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने की कोशिश करोगे। तो मेरा ये चंद बातें थी जी। मैं मिस बाउल हक साहब से ही सवाल जानना चाहूंगा, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप रबी और यूसुफ वर्मा के प्राइम मिनिस्टरों से? मिस बाउल साहब, जैसे रबी ने कहा और यूसुफ साहब ने कहा, यूसुफ साहब की बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। इशू बेस्ड जो है, अब जैसे यूसुफ साहब ने कहा, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, टैप करने की जरूरत होती है, स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई भी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि इश्यूज को कैसे, जो अच्छे उनके जो व्यू पॉइंट्स रहते हैं उसको कैसे जो है नेशनल लेवल पे ला के उस इश्यूज को जो है अपना व्यू पॉइंट दे और जो है बेटर करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे जब लैक ऑफ स्टूडेंट एक्टिविज्म होने की वजह से भटकल में इतनी मुद्दत तक हो सिर्फ एज अ वर्कफोर्स इस्तेमाल हो रहे थे स्टूडेंट्स, आप जैसे हमारे एंकर साहब ने कहा कि स्टूडेंट्स को सिर्फ इस हद तक ही इस्तेमाल किया जाएगा, स्टूडेंट्स को मैं समझता हूँ कि उनको फंक्शनिंग में और ऑर्गेनाइजिंग में उनको भी एक अच्छा रोल दे, ताकि डिसीशन मेकिंग में भी उनका एक रोल हो वहाँ पे, उनकी भी जो है सिर्फ एज अ वर्कफोर्स और उनको जो है एज अ वॉलंटियरी इस्तेमाल ना करें और उनको इन्वॉल्व करें हर चीज़ों में। फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब देखिए कि यहाँ के हमारे यहाँ के यूथ्स का माहौल ऐसा है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर हमको बात करनी है तो हमें पता नहीं रहता कि हम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें। ये गैप इसलिए आया है क्योंकि वो जो लेगेसी है जो पास ऑन होनी थी सीनियर से स्टूडेंट्स को, वो कभी पास ऑन नहीं हुई। डीपली इन्वॉल्वमेंट और जो है कभी अक्रॉस द टेबल जो बातें होनी चाहिए, जब फॉर एग्जाम्पल जब एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी बात अपना व्यू पॉइंट रखना हो, उस लेवल पे कभी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एक्टिविज्म थोड़ा पीछे रह गए हैं हम भटकल वाले, लेकिन अब इनिशिएशन हो चुका है मुझे लगता है और स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। हम प्री कोविड हमने देखा था कि एंटी सी ए और दूसरे एक्टिविज्म में वगैरह कैसे रोल रहा स्टूडेंट्स का, आगे चल के बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की जरूरत है स्टूडेंट्स को। और जी 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 मिर्जा, मेहरजान आवाज क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी बताइए। जी मैं इसी सवाल से आपसे जानना, स्टूडेंट एक्टिविज्म को सिर्फ इन नौजवानों को, हमारे नौजवानों को सिर्फ एहतजाजी जुलूसों में रखा जाएगा नारेबाजी के लिए, वॉलंटियरिंग के लिए, या इनसे कुछ काम किया जाएगा? कितना इत्तेफाक रखते हैं आप यूसुफ वर्मा साहब की बातों से और रबी रुकनुद्दीन साहब की बातों से? जी यहाँ पर तो कोई शको शुबा जरा भी नहीं है कि दोनों ने जो बातें कही इनसे मैं बिल्कुल ही इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन जहां तक वॉलंटियरिंग का सवाल आता है, जहां तक नारेबाजी का सवाल आता है, ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं कि पीपल डू नॉट, द स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड इश्यूज डीपली, ओके।
सबसे पहले एक्टिविज्म का सबसे पहला प्री कंडीशन, सबसे पहली शर्त यह है कि आप इश्यूज को जानें, आप अपने आप मुतालिया करें चीजों का, यू रिसर्च अबाउट इश्यूज, यू गेन नॉलेज, और विजडम के जरिए जो है चीजों को जो है आपको यू नो आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसा यू नो यूसुफ बरमावर साहब ने भी कहा कि यू नो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस एज टू व्हाट यू आर डूइंग एंड यू नो बट इट डज नॉट नीड टू हैपन ओनली थ्रू यू नो स्लोगनियरिंग और जो है आप एहतजाजों में हिस्सा लें। इससे बढ़कर जो है आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। आप यू नो यू कैन बिकम अ रिसर्चर एंड you can become an activist through you know researches, right? So basically aap apne jo hai andar ke conscience ko jagaye, iski sabse pehli baat ek to knowledge aap acquire kare, aap issues ko samjhe, all round issues ko samjhe, 365 degree aap you know parkhe cheezon ko. Dusri baat aap apne jo hai andar ke conscience ko, apne andar ki jo hai zameer ko jagaye, wo tabhi hoga jab aapko jo hai zyada zyada ilm hoga muddon ke bare mein, और जो है आपके अंदर के जो है जमीर को यू नो कुछ खटकेगा आपके दिल में, यू नो दैट आई नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू, राइट? तभी जो है आपको कुछ करने की हिम्मत होगी और तभी आपको यू नो करने में कुछ ना कुछ अर्जेस होंगे आप, राइट? तो मेरा कहने का वही मतलब है। जैसे मुझे इस मोड़ पर एक अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही खूबसूरत शेर याद आता है। वो कहते हैं, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, राइट? और उन्होंने आगे फिर भी कहा कि तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित हो सही आ रहा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है मुताला नहीं करते हैं, आप एक ही जगह पर जो है महदूद होते हैं, आप जो है मुद्दों के ऊपर यू नो तवज्जो नहीं देते हैं। तो जो हमारे आबा किया करते थे वो उनसे जो है हमारी निस्बत आज खत्म हो गई, राइट? तो मेरे कहने का यही मतलब है कि आप अपने कॉन्शियंस को जगाएं, आप यू नो यू ट्राई टू यू नो अक्वायर सम विजडम, यू ट्राई टू अक्वायर गुड नॉलेज, राइट? दैट इज व्हाट आई मीन टू से। आई बिलीव दालिश, आई जस्ट वांट टू ऐड कॉम्प्लीमेंट जी 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 यूसुफ साहब, सम पॉइंट्स फ्रॉम नेजान, यू राइटली सेड, सी व्हेन यू टॉक अबाउट एक्टिविज्म देयर आर सेवरल थिंग्स, यू टॉक अबाउट सिटिंस, यू टॉक अबाउट स्ट्राइक्स, hunger strikes, street march, rallies, okay? Ye, this form of activism, our students, they don't need. Okay? And again, it depends on issues, by the way. Okay? It depends on issues. But in general, our local issues, okay? This kind of activism, we don't need your signature campaigns, okay? But when we identify an issue related to socio-economic, environment, political issues, okay, they can do a different form, an intellectual form of activism, okay, where they can write books, write an editorial, okay, write to the editor, make their personal views, write to different organizations, okay, yani aapka point of view policy pe, isi tarah se jo hai, ya phir किसी जो है जो उस फील्ड में जो ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी नोन पर्सनैलिटीज इन दोस फील्ड इश्यूज के लिए, उनको अप्रोच करें, उनसे बात करें, उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। ये तरीके से अपनी वॉइस को रेस करना, एक इंटेलेक्चुअल तरीके से वॉइस को रेस करना जरूरत है हमारे एनवायरमेंट में। बाकी जो कुछ टाइप ऑफ एक्टिविज्म, अगर आप अभी इस चीजों की लोकल चीजों में, मैं समझता हूँ कि ये अवॉइड करनी चाहिए। ये जो है रेस्पेक्टिव जो भी इदारे हैं वो इस तरह के जो है जरूरत पड़ने पर ये वो अपना कदम उठाएंगे। तो उसके लिए जैसे नेजान ने भी कहा कि अपना मुतालिया नॉलेज, ओके, टू अंडरस्टैंड डिसिमेट और जो है प्रपोज सॉल्यूशन ऑन द इश्यूज, वो कैपेबिलिटी भी हमारे जो है नौजवानों में, यंगस्टर्स में ये है और ज्यादा से ज्यादा बिल्ड होनी चाहिए, ये मेरा ख्याल है जी। मैं इसी मुद्दे पर आना माला से जानना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आपके क्या ख्याल हैं, एमटी आना माला। जी, अभी बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी अच्छी बातें यूसुफ भाई ने हमारे दोस्त रबी, नेहजान और मिसबा ने रखी सामने। चंद बातें जो आई जिनसे मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ और जिनसे चंद बातों से मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट भी
हो सकता है इदारों में, जब तक या जहां तक ये इदारों में बच्चों को जो एक्टिविज्म की इजाजत ना मिलने की ये आई बात आई, तो मेरे ख्याल से वो इसलिए नहीं कि वो बच्चे उठ के वापस इदारों के ऊपर कोई इदारों के खिलाफ कोई एक्टिविज्म करें, बट इदारे हमारे मैं आपसे गुजारिश चाहता हूं कि उस सवाल पर उस बात उस टॉपिक पर हम आगे बात करेंगे, आगे उस सवाल है अपनी जगह एक्टिविज्म की जहां पर बात आती है, बटकल में वो मुद्दा अलग है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बातें यहां पर उससे पहले यूसुफ साहब ने कही उस पर आपके क्या ख्याल हैं, आपने कहा कि आपका पॉइंट व्यू अलग है। जी मतलब जो एक्टिविज्म जैसा होना चाहिए उसको वैसे ही हम लोग रखें, बस ये हम लोगों का ख्याल हो कि अंडर द आई ऑफ लॉ वो गलत ना हो, वो डिस्ट्रक्टिव ना हो, किसी भी तरह से नेगेटिव ना हो, बस इसके सिवा जिस तरह का भी एक्टिविज्म हो वो मेरे ख्याल से अलाउड है। हम अपनी सोच को हम कंस्ट्रक्टिव रखें, पॉजिटिव रखें, इससे हमें खुद एक हिम्मत मिलेगी और सोसाइटी के लिए काम करने में भी आगे बहुत मतलब सपोर्ट मिलेगा लोगों से भी, और हर चीजों में बेहतरी आएगी इस चीज से। और जो मेरे एक दो और पॉइंट थे, अगर आप आगे मुझे बात करने देंगे कोई इंस्टीट्यूशंस मेरे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस की बात है, हम आगे उस पर डिस्कशन करेंगे। मेरा ये आपसे गुजारिश थी तमाम पैनलिस्ट से कि मुद्दे को एक तरफ से एक तरफ ना फेरें, आगे डिस्कशन भी होगा उसके बारे में। मैं इससे बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि एक्टिविज्म में हम लोगों को जो है थरो स्टडी हो टॉपिक पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग का हम लोग कोई मशवरा हम लोग आगे रख सकें, इस चीज पे हम लोग बहुत ही मतलब रिसर्च के साथ में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत जरूरी है।